कवाजिद खान के निधन की वजह उनके चहेते सलमान खान की ही फिल्म थी। दरअसल इस तरह के दावे मीडिया रिपोर्ट्स ने नहीं बल्कि खुद बॉलीवुड के सिंगर सोनू निगम और सलीम मर्चेंट ने किए हैं। उन्होंने वाजिद खान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कई सारी हैरान कर देने वाली बातों का खुलासा किया। न सिर्फ खुलासा बल्कि इन दोनों ने बताया कि वाजिद खान को उनकी भाभी लुबना ने अपनी किडनी डोनेट की थी। और भी ऐसी कई बातें जो वाजिद खान के निधन को ध्यान में रखते हुए की गई। दरअसल बीते कुछ दिन पहले वाजिद खान के निधन की खबर आई। वाजिद खान की उम्र अभी इस दुनिया को छोड़ के जाने की नहीं थी, इसलिए ही पूरा बॉलीवुड दुख के माहौल में पसरा हुआ था। वाजिद खान के निधन की वजह किडनी और कोरोना तो पहले भी बताई गई थी, लेकिन अब वाजिद के निधन के पीछे की वजह सोनू निगम और सलीम मर्चेंट ने बताई। सलीम मर्चेंट ने वाजिद खान के निधन पर कहा कि वाजिद खान को किडनी की दिक्कत रही, लेकिन वो वाकई लकी थे। उनकी भाभी लुबना यानी साजिद की पत्नी ने उन्हें अपनी एक किडनी दी। ये परिवार वाकई एक दूसरे के साथ अद्भुत रूप से जुड़ा हुआ है। ये ट्रांसप्लांट भी ठीक ठाक रहा, वाजिद की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं रही। हुआ ये कि साजिद वाजिद सलमान की दबंग की तीसरी कड़ी में काफी व्यस्त हो गए थे। हद से ज्यादा उन्होंने खुद को थकाया, इस दौरान उन्हें किडनी में इन्फेक्शन हो गया। सोनू निगम का भी बयान सलीम मर्चेंट के बयान से ही कुछ मिलता जुलता है। सोनू निगम ने कहा, वाजिद को डायबिटीज थी और उन्होंने अपने खान पान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, इस वजह से उनकी किडनी पर दबाव बढ़ता चला गया। उनकी सेहत बुरी तरह बिगड़ चुकी थी और हालत खराब होती जा रही थी। बताते चले, वाजिद के भाई साजिद अपने भाई के गुजर जाने से काफी हताश हैं, जिसके चलते आज सुबह साजिद खान ने इंस्टाग्राम पर भाई साजिद के साथ एक तस्वीर शेयर की और लिखा, मैं इस दुनिया में मम्मी के साथ हूँ और आप उस दुनिया में पापा के साथ, लव यू ब्रदर, मेरे जन्नत के रॉकस्टार।